हेलो फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ द डिस्प्ले डिवाइस सबसे पहले हम डिस्प्ले डिवाइसेस स्टडी करेंगे आफ्टर दैट वी विल कवर व्हाट आर द सीएटी मॉनिटर्स डिस्प्ले डिवाइसेस इन द कंप्यूटर ग्राफिक्स तो डिस्प्ले डिवाइसेस क्या होती हैं डिस्प्ले डिवाइसेस आर द आउटपुट डिवाइसेस तो ये आउटपुट डिवाइस होती हैं जिनका यूज़ किया जाता है ताकि ये इन्फॉमेशन को विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें ये विजुअल फॉर्म में इमेजेस के फॉर्म में ग्राफिक्स के फॉर्म में वीडियो के फॉर्म में हमें इमेजेस डिस्प्ले करती हैं डिस्प्ले डिवाइसेज कुछ डिस्प्ले सिस्टम जिन्हें हम वीडियो मॉनिटर्स वीडियो डिस्प्ले यूनिट्स भी डिस्प्ले डिवाइसिस ही हैं जो हमें आउटपुट डिस्प्ले करती हैं अब डिस्प्ले डिवाइसिस इसलिए डिज़ाइन की जाती है ताकि वो किस तरह से मॉडलिंग करेंगे इन्फॉमेशन को डिस्प्ले करवाएँगी किस तरह से हम उस इंफॉमेसन को देख सकते हैं और द पर्पज़ क्या है इस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का कि ये हमारी इंफॉर्मेशन शेयरिंग को और ज़्यादा सिम्प्लीफाई कर देती हैं टू डे द डिमांड फॉर द हाई क्वालिटी डिस्प्लेज इज़ इंक्रीजिंग और आज जो हाई क्वालिटी डिस्प्लेज हैं उनकी जो डिमांड है वो डे बाई डे इंक्रीज़ होती जा रही है उनमें से कुछ जो डिस्प्ले डिवाइसेज हैं वो हैं सबसे पहले जो डिस्प्ले डिवाइस है दैट इज़ के थोड रे ट्यूब जिसे हम सी आर टी कहते हैं जो हम आज स्टडी करेंगे आफ्टर दैट कलर सी आर टी मोनिटर्स देन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसे हम एल सी डी कहते हैं आफ्टर दैट लाइट एमिटिंग डायोड एल ई डी डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब्स डी वी एस प्लाज्मा डिस्प्ले एंड थ्री डी डिस्प्लेस तो ये सारी की सारी हमारी डिस्प्ले हैं जो डिस्प्ले डिवाइसिस हैं जिनका यूज़ किया जाता है और इनमें ये जो डे बाई डे जो है डिमांड इनकी इंक्रीज होती जा रही है हाई क्वालिटी डिस्प्लेस की आज हम करने वाले हैं कैथोड रे ट्यूब जिसे हम सी आर टी कहते हैं अब देखिए कैथोड रे ट्यूब जो है दैट स्टैंड फॉर द कैथोड रे ट्यूब स्टैंड फॉर सी आर टी ठीक है तो सी आर टी ही कैथोड रे ट्यूब है इट इज़ अ टेक्नोलॉजी विच इज़ यूज इन ट्रेडिशनल मॉ कम्प्यूटर मॉनीटर्स एंड टेलीविजन अभी जो सी आर टी टेक्नोलॉजी थी ये डिस्प्ले डिवाइस की टेक्नोलॉजी थी ये यूज़ होती थी हमारे पुराने वाले जो कंप्यूटर्स थे हमारे उनके टेलीविजन में यूज़ होती थी इट इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द वैक्यूम ट्यूब दैट डिस्प्लेज इमेज़ ये एक इस तरह की वैक्यूम ट्यूब थी एक इस तरह का वैक्यूम ट्यूब था जो इमेजेस डिस्प्ले करता था जब भी इलेक्ट्रॉन बीम कोलाइड करती थी ऑन द रेडियल सरफेस रेडियल सरफेस अब ये देखिए ये रेडियल सरफेस है जब इस पर इलेक्ट्रॉन बीम ये इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है और ये इस पर स्ट्राइक कर रही है जब ये इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करती थी इस रेडियल सर्फेस पे तो ये इमेजेस को डिस्प्ले करता था तो यहाँ पे इमेजेस डिस्प्ले होती थी तो यहाँ पे इमेजेस आपकी क्या होंगी डिस्प्ले होंगी तो यहाँ पे देखिए कनेक्टर पिंस हैं ये बेस है ये आपका इलेक्ट्रॉन गन है ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन गन है इलेक्ट्रॉन गन में से इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो निकलेगी यहाँ पे फोकसिंग सिस्टम है इससे फोकस होगी वो लाइट जो भी इलेक्ट्रॉन बीम है देन यहाँ पे वाई डिफ्लेक्शन है एल एक्स डिफ्लेक्शन है यहाँ पे कंट्रोल ग्रिड वोल्टेज है जो वोल्टेज को कंट्रोल कर रही है और आफ्टर दैट यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रही है और यहाँ पे इसमें से पास करके हुए यहाँ पे फॉस्फर कोटिंग वाली लेयर पे हमारी स्क्रीन पर यहाँ पर जाके हमारी जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो स्ट्राइक करती है और जिससे हमें इमेजेस डिस्प्ले होती हैं सो so, सबसे पहले जो कंपोनेंट्स क्या क्या है सीआर मॉनिटर्स के अंदर सबसे पहला जो कंपोनेंट दैट इज़ इलेक्ट्रॉन गन अब इलेक्ट्रॉन गन जो है वो बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बनती है जिसमें से एलिमेंट है हीटिंग फिलामेंट हीटर और कैथोड तो इलेक्ट्रॉन गन के अंदर हमारा हीटिंग फिलामेंट है जिसे जिसे हम कहते हैं हीटर और कैथोड उसके बाद है हमारा इलेक्ट्रॉन गन जो है दैट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब ये जो इलेक्ट्रॉन गन है वो एक सोर्स है इलेक्ट्रॉन्स का विच इज फोकस्ड ऑन द बीम फेसिंग द सी जो ये बिल्कुल Uh, यहाँ पे सोर्स इलेक्ट्रॉन्स का यहीं से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जनरेट uh, होते हैं और वो सरफेस uh, पे जाके फॉस्फर सरफेस पे जाके टकराते हैं जहाँ से हमें इमेज डिस्प्ले होती है फोकसिंग एंड एक्सलैटिंग एनोड्स अब देखिए यहाँ पे एनोड्स हैं यहाँ पे फोकसिंग और एक्सलेटिंग एनोड्स क्या है दीज एनोड्स आर यूज टू प्रोड्यूस अ नैरो एंड शार्पली फोकस्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने पिछली इमेज में देखा होगा कि यहाँ पे हमें फोकसिंग यहाँ पे हमारा जाके फोकस हो रहा है इलेक्ट्रॉन बीम पर इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे फोकस किस तरह से हो रहा है इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे फोकस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द एनोड्स तो यहाँ पे एनोड्स की हेल्प से ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है बिल्कुल फोकस होके स्ट्रेट एंड शार्पली ये जाके इलेक्ट्रॉन बीम पर जाके टकरा रही है तो यही हो यही कह रहे हैं इसमें कि फोकसिंग एंड एक्सलेटिंग एनोड्स आफ्टर दैट है हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हमने वहाँ पे डिफ्लेक्शन प्लेट प्लेट भी देखी थी एक्स एक्सिस पे और वाई एक्स वाई प्लेट तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं इनका यूज़ किया जाता है ताकि ये इलेक्ट्रॉन को पाथ बताती हैं कि, कि किस तरह से किस डायरेक्शन में उसने इलेक्ट्रॉन ने जो मूव करना है इलेक्ट्रॉन बीम ने सो प्लेट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दैट बेंड्स द इलेक्ट्रॉन बीम थ्रू द एरिया एज ए ट्रेवल्स तो जो प्लेट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है जिससे कि इलेक्ट्रॉन बीम बेंड होकर हमारे एरिया में ट्रैवल करती है फॉसफर कोटेड स्क्रीन फॉसफर कोटेड स्क्रीन पे Uh, जो ब्राइट स्पॉट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं जब इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करती है जब हाई विलोसिटी वाली इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो हिट करती है तो वहाँ पे ब्राइट स्पॉर्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं तो दो वेज हैं जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं ऑन द स्क्रीन सबसे पहला जो हमारा वे है दैट इज़ राष्ट्र स्कैन अब देखिए रास्टर स्कैन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अब सी आर मॉनिटर के साथ भी मैं इसको रास्ट स्कैन को अगेन से एलेबरेट uh, करूंगी सबसे पहले देखिए रास्टर स्कैन रास्टर स्कैन एक स्कैनिंग टेक्निक है जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम्स मूव करती हैं अलोंग द स्क्रीन तो स्क्रीन के अलोंग ही हमारी जैसे ये हमारी ये स्क्रीन है तो स्क्रीन के अलोंग हमारी जो इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं वो मूव करेंगी एंड इट मूव्स फ्रॉम द टॉप टू बॉटम और ये टॉप टू बॉटम इस तरह से मूव करती हैं कवरिंग द वन लाइन एट अ टाइम एक लाइन को कवर करते हुए एट अ टाइम जैसे यहाँ पे एक लाइन कवर होगी नेक्स्ट टॉप टू बॉटम नेक्स्ट लाइन इस तरह से कवर करते हुए स्क्रीन में ये मूव करती हैं इट इज़ बेस्ड ऑन द पिक्सल इंटेंसिटी कंट्रोल और ये पिक्सल इंटेंसिटी कंट्रोल पे बेस्ड है और एज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑन द स्क्रीन तो बिल्कुल एक स्क्रीन पे जैसे रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसकी तरह पे यहाँ पे हमें रास्टर जो है इसे हम रास्टर का आ, रास्टर कह रहे हैं एंड पिक्चर डेफिनेशन इज़ स्टोर्ड इन द मेमोरी एरिया मेमोरी एरिया के अंदर पिक्चर डेफिनेशन स्टोर रहती है जिसे हम रिफ्रेश रेट और फ्रेश फ्रेम बफर भी कहते हैं तो फ्रेम बफर और रिफ्रेश बफर के अंदर हमारी पिक्चर डेफिनेशन स्टोर होती है मामोरी एरिया फ्रेम बफर इज नोन एज अ रास्टर और बिट मैप एंड द रास्टर स्कैन प्रोवाइड रेट ऑफ टू सिक्स फ्रेम्स पर सेकेंड तो एट अ टाइम सिक्सटी टू एटी फ्रेम्स जो पर सेकेंड हमें वो जो है दिखाई देते हैं और फ्रेम बफर जो है उसे ही हम रास्टर और बिट मैप ही कहते हैं और आप एग्जाम्पल देख सकते हो टेलीविजन्स में नेक्स्ट है वट टाइप ऑफ रिफ्रेशिंग देखिए टाइप ऑफ रिफ्रेशिंग बीम रिफ्रेशिंग हैज़ टू टाइप्स दो तरह की रिफ्रेशिंग टाइप होती है इसमें हॉरिजोटल रीट एंड वर्टिकल रीट अब देखिए हॉरिजोंटल रीट और वर्टिकल रीट क्या होती है वेन द बीम स्टार्ट फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर टॉप लेफ्ट कॉर्नर से बीम स्टार्ट होती है एंड रीच इस बॉटम राइट और रीच करती है बॉटम की राइट right साइड पे ठीक है निचले वाले की राइट right साइड पे यहाँ पे मूव करके पहुँचगी अगेन रिटर्न टू द टॉप लेफ़्ट एंड इट इज कॉल्ड द वर्टिकल रीट और अगेन वो इस तरह से ट्रेवल करते हुए नीचे आती है अगेन वो ट्रेवल करते हुए टॉप लेफ़्ट अगेन मूव कर जाती है उसे हम वर्टिकल रीट कहते हैं एंड इट वि कॉल बैक फ्रॉम टॉप टू बॉटम मोर होरिजोटली मोर होरिजोटली एज अ होरिजोटल रिवर्सल तो आप ये देख सकते हैं कि जब वो हॉरिजोनटली मूव करती है हॉरिजोंटली इन देंस कि अगर ये स्क्रीन है यहाँ पर इस तरह से इस तरह से यहाँ पर गई डायरेक्टली फ्रॉम टॉप टू बॉटम मोर हॉरिजॉन्टली वो मूव करती है जिस तरह से हम इस तरह की लाइंस कवर करके चल रहे हैं तो वो हमारी हॉरिजॉन्टल वी है जब वो इस तरह से टॉप लेफ्ट टॉप लेफ़्ट से वो मूव करते हुए बॉटम के राइट right में आती है अगेन इस तरह से वो चलती है तो ये हमारी वर्टिकल वी है और यही हमारी स्कैन लाइन इन्हें हम स्कैन लाइन्स भी कहते हैं सो so ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द हॉरिजॉन्टल वी एंड द वर्टिकल वी नेक्स्ट क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जो एडवांटेजेस ये हैं कि ये रियल इमेज प्रोड्यूस करती हैं इसमें ज़्यादा कलर्स प्रोड्यूस होते हैं और डार्क सीन्स को भी पिक्चर कर सकते हैं बट डिसएडवांटेज ये है कि इसका रेजोल्यूशन बहुत लेस है और इसमें जो डिस्प्ले पिक्चर करती है लाइन बाय लाइन इसमें इमेजेस uh, जो हैं या पिक्चर्स हैं डिस्प्ले होंगी और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है अब देखिए रैंडम स्कैन जो है उसे हम वैक्टर स्कैन डिस्प्ले कहते हैं इसे हम स्ट्रॉक राइटिंग डिस्प्ले और कैलीग्राफिक डिस्प्ले भी कहते हैं इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो सिर्फ एक ही एरिया पे पॉइंट करती है उसी एरिया पे जहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करनी है और यहाँ पे अगर वो इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करती है पेंसिल को पेंसिल की तरह वो यूज़ करती है इलेक्ट्रॉन बीम और जिससे वो एक लाइन इमेज जो है वो स्क्रीन पर बना देती है और जो इमेज है वो कंस्ट्रक्ट होगी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से तो बहुत सारी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स के मिल इमेज डिस्प्ले होगी और हर एक लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रा uh, करती है बीम को टू पास फ्रॉम द वन पॉइंट ऑन द स्क्रीन टू अनदर और एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर आप हर एक पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं आफ्टर कंपाइलेशन ऑफ द पिक्चर ड्राइंग द सिस्टम साइकिल बैक टू द फर्स्ट लाइन एंड क्रिएट ऑल द लाइंस ऑफ पिक्चर थर्टी टू सिक्सटी टाइम्स पर सेकेंड तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बीम ने स्ट्राइक किया और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन सीक्वेंस क्रिएट किया देन अगेन उसने इस तरह का स्ट्रेट लाइन सीक्वेंस क्रिएट किया देन इस तरह से उसने पूरा का पूरा एक इमेज डिस्प्ले किया यूजिंग द सीक्वेंस ऑफ द स्ट्रेट लाइंस। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस है इसकी कि रेजोल्यूशन हाई है और ये ज़्यादा स्मूथ लाइन ड्राॅइंग्स जो हैं वो वाली इमेजेस क्रिएट कर सकता है इसमें रियलिस्टिक इमेजेस जो हैं वो क्रिएट नहीं की जा सकती हैं एंड इट इज ओनली द वे वायर फ्रेम वायर फ्रेम में जो है ये आ, वाई फ्रेम ही जो है वो कर सकते हैं तो इसलिए डिसएडवांटेज है इसकी और इसमें कॉम्प्लेक्स सीन्स जो हैं ड्यू टू फ्लिकर फ्लिकर ज़्यादा है इसके अंदर तो इसलिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सीन्स जो हैं वो क्रिएट हुए होते हैं सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन थैंक यू